इस वीडियो को बनाते समय सुरक्षा का खास ख्याल रखा गया है। प्लीज आप लोग इसे घर पर दोहराने का प्रयास ना करें। हाय फ्रेंड्स, मेरे हाथ में है ये गम और हम सब जानते हैं कि इस गम का क्या यूज होता है। हम सब ने स्टडी करी है और अगर अपनी नोटबुक फट जाती थी या बुक्स फट जाते हैं या फिर स्टिकर फट जाते हैं तो अपन लोग इस गम से उसको चिपकाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा एक्सपेरिमेंट होने वाला है वो होने वाला है इसी गम के साथ। और अगर आपको जानना है कि हमारा जो एक्सपेरिमेंट होने वाला है वो क्या होने वाला है तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। और शुरू करते हैं आज का हमारा एक्सपेरिमेंट। और एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने गैस स्टोव की तरफ। और यहाँ पर मैंने ले रखा है, ये रहा हमारा गैस स्टोव और अपने पास है ये पैन। और मैं करूंगा इसके अंदर और इन दोनों के साथ एक्सपेरिमेंट। तो चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ मैं अपने गैस स्टोव को। दोस्तों, मैंने अपना जो गैस स्टोव है वो ऑन कर लिया है और अपन लोग रख लेते हैं इस फ्राइंग पैन को इसके ऊपर और इसकी स्पीड बढ़ा लेते हैं अपन लोग। और दोस्तों, ये जो गम है चिपकाने के जरूर काम आता है, लेकिन आज अपन लोग देखेंगे कि अगर मैं इसको गर्म करूँ तो क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। मैं इसको पूरा इसके अंदर डाल दूंगा ताकि अपन लोग देखें क्या होता है अगर गम को गर्म किया जाता है। बहुत सारा गम और येलो लाइन जो गम है मैंने इस फ्राइंग पैन में डाल दिया है और अपन देखते हैं कि इसमें कुछ रिएक्शन भी हो रहा है। देखेंगे कि क्या होता है इसको अगर गम को फुल तरीके से गर्म किया जाता है तो। क्योंकि फ्रेंड्स, इको फ्रेंडली भी होता है, इससे कोई नुकसान तो नहीं पहुंचता मेरे हिसाब से। दोस्तों, इसको गर्म करने से तो बहुत अच्छी स्मेल, जो अपना लेमन होता है उसके जैसी स्मेल आने शुरू हो गई है।
फ्रेंड्स अपने बहुत ज्यादा गर्म कर लिया है और आप देख सकते हो ये फ्राइंग पैन के भी चिपक गया है। और जो लास्ट में बनी आप लेयर को देख सकते हो, यहाँ पर एक पूरी की पूरी लेयर बन चुकी है और काफी हद तक ये काला भी हो चुका है। अपन लोग काम करते हैं इसको यहाँ से पूरी लेयर हटा लेते हैं। लगता है मुझे फ्राइंग पैन पर तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन ये जो लेयर है आप लोग देख सकते हो, जो अपनी बीज होती है यानी मधुमक्खी होती है उसके जैसा छत्ता सा बन गया है। और आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स कितना टाइट है, मैं पूरा का पूरा यहाँ से उठा सकता हूँ। और दोस्तों आपने एक मिठाई खाई होगी जो अपन लोग घर में जो तीज वगैरह त्योहार होते हैं वहां पर यूज करते हैं, और आप लोग देख सकते हो वैसा का वैसा ये घेवर बन चुका है फ्रेंड्स, और कुछ नहीं हुआ। तो ये मुझे लगता नहीं है किसी चीज को चिपकाने का काम कर सकता है, केवल और केवल ये घेवर बन चुका है और मुझे लगता नहीं है। तो चलिए दोस्तों चिपका के देखते हैं, गर्म नहीं है दोस्तों इतना। तो ये मेरा पेपर है और देखें तो दोस्तों ये तो रोटी जैसा लग रहा है यार, और कुछ बना ही नहीं है इसका। और देखते हैं कि यहाँ पर तो फ्रेंड्स पेपर तो नहीं चिपकेगा यहाँ तक है, लेकिन इसको अपन लोग तोड़ के देखते हैं क्या वैसा टूट जाएगा। ये तो इतना मजबूत है जैसे अपन लोग सुखाने के बाद फिल्म को देख सकते हैं आप लोग, कितना मजबूती से ये बन गया है। तो दोस्तों आप लोग देख भी सकते हो एक आवाज भी आ रही है जो अपन लोग किसी भी चीज को तोड़ते हैं वैसे। तो अगर मेरे हिसाब से इसको थोड़ा ठंडा कर दिया जाता तब भी ये इतना हार्ड हो जाएगा दोस्तों, इतना हार्ड हो गया ये तो। अभी भी ये गर्म है फिर भी इतना हार्ड है, देखते हैं दोस्तों। ये तो बिल्कुल इसको वापस तो अलग नहीं किया जा सकता, और ये जो गम था अपने किसी काम का नहीं है, ना तो चिपकाने का काम का है और ना ही कुछ और, केवल अभी इसकी पावर का मैं बोल सकता हूँ फ्रेंड्स कोई खत्म नहीं हुई है बिल्कुल। यहाँ पर जो पेपर है आप उसके अंदर चिपका के देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो इसकी पावर में भी कोई असर नहीं है, वैसे कोई भी चीज चिपकाई जा सकती है, लेकिन इसको अगर गर्म किया जाता है तो ये और ज्यादा हार्ड हो सकता है। आप लोग देख सकते हो इतना हार्ड है, और जब भी हम लोग किसी लकड़ी को तोड़ते हैं वैसे कुछ आवाज आ रही है। तो फ्रेंड्स ये था कि अगर अपन लोग इस गम को बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो इसकी पावर में कोई फर्क नहीं पड़ता, और यहाँ तक कि इसकी जो लेयर है बहुत सारी गाढ़ी पपड़ी बन जाएगी। ये था आज का हमारा एक्सपेरिमेंट। और यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।